मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने अपना बयान जारी कर देश और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखौटा लगाकर थाली बजाकर ताली बजाकर प्रदर्शन करते रहे और जनता को भी बरगलाते रहे और जनता को यह बताते रहे कि कोरोना भाग जाएगा। हालांकि कोरोना भागा नहीं। आदर्श न्यूज के लिए इंदौर से पत्रकार नितिन कनारे की रिपोर्ट। मोदी जी, पिछले साल कोरोना आया तो आपने कहा जनता से, देश की जनता से कि थाली बजाओ, तो जनता ने थाली बजा दी। आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजा दी। आपने कहा टार्च जलाओ, तो हमने टार्च जला दी। एक साल कोरोना की महामारी आई थी पूर्व, और एक साल में आपने देश के प्रधानमंत्री होते हुए कोई तैयारी नहीं की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कोई तैयारी नहीं की। आज देश ही नहीं, प्रदेश में इंदौर शहर में लाशों के ढेर लग रहे हैं। ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना बेड मिल रहे हैं। सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार